हेलो, मेरा नाम है कशिश राठौर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं पैरानॉर्मल किस्सों पर रिसर्च करती हूँ, तो आज भी लखनऊ में रहने वाली मानसी गौतम से मिली, जिन्होंने मुझे अपने साथ हुए बचपन में एक पैरानॉर्मल किस्से के बारे में बताया। तो चलिए आपको भी मानसी की कहानी से रूबरू कराती हूँ। तो अब मुझे मानसी अपने पैरानॉर्मल किस्से के बारे में बताती है। मानसी बोलती है, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा क्षण लगभग 2 दशक यानी कि 20 साल पहले हुआ था, और अब तक मुझे ये बात पूरी तरह से याद है। उस वक्त मैं 9 साल की थी, और अब जब मैं पीछे मुड़ के उस वक्त को देखती हूँ तो मेरे पास जवाब से ज्यादा सवाल होते हैं। मैं जंगल से घिरे एक छोटे और शांत शहर में पली बड़ी हूँ। हर कोई एक दूसरे से प्यार से रहता था, कोई बुराई नहीं थी, वहाँ का जीवन सच में बहुत अच्छा था। खैर, शहर से ठीक बाहर एक पहाड़ी के ऊपर एक पुराना केबिन था। उसे डेड मैन के नाम से भी जाना जाता था। वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि भले ही वहाँ इतने सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी वहाँ से चिमनी से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता था। पुलिस अधिकारी को लगता था कि शायद वहाँ कब्जा करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वो वहाँ बार बार चेक करने जाते थे, लेकिन हर बार वहाँ कोई नहीं मिलता था और आग जैसा कोई सामान या निशान वहाँ दिखाई नहीं देता था। आखिर अब पुलिस ने भी वहाँ जाना बंद कर दिया था और केबिन को भी भूतिया जगह बोल दिया गया था। सभी लोगों को यही लगने लगा कि शायद वहाँ भूत रहते हैं, और तभी से उसका नाम डेड मैन केबिन रख दिया गया। उस केबिन से मेरा घर 20 मिनट की दूरी पर है। हालांकि वो पेड़ों से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे रूम से उस केबिन को साफ साफ देखा जा सकता था। मैं केबिन के सबसे पास रहती थी, इसलिए जब भी मेरी फ्रेंड्स आती थी हमेशा मुझसे पूछा करती थी, क्या सच में तुम अपने रूम से उस भूत को देख सकती हो, या फिर तुम वहाँ कभी गई हो। मैं हमेशा नहीं कह देती थी और टॉपिक चेंज कर दिया करती थी। लेकिन एक रात में मैं और मेरी दो फ्रेंड माही और रूमा स्लीप ओवर कर रहे थे हमेशा की तरह, और हम केबिन के बारे में ही बात कर रहे थे। मुझे ठीक से तो याद नहीं कि हमारी बात कैसे ट्रूथ एंड डेयर पर बदल गई। रूमा ने मुझे डेयर दिया कि मैं उस केबिन के अंदर 5 मिनट बिताऊं, और मैं बेवकूफ, मैंने हाँ बोल दिया ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। लेकिन मैंने एक शर्त रखी कि वो भी मेरे साथ वहाँ चले। माही और रूमा ये बात सुन के हिल जरूर गए थे, लेकिन बाहर से ये दिखा रहे थे कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो गई। हम लोगों को एडवेंचर करना बहुत पसंद था, तो हॉन्टेड केबिन से बेस्ट जगह क्या ही होती। हम लोग सच में एक भूत से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। हम लोग मेरे कमरे की खिड़की से बाहर निकले और सीधा जंगल की तरफ चले गए। हम तीनों ने नाइट सूट पहना था और पैरों में चप्पल भी नहीं थी। हमें अपने जूते और जैकेट बाहर छोड़ने पड़े क्योंकि मम्मी पापा को नहीं पता चलना चाहिए कि हम लोग घर पर नहीं हैं। हाँ, पता है नाइट सूट हाइकिंग के कपड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारे लिए एडवेंचर ज्यादा जरूरी था। हमें बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन कोई भी चैलेंज से पीछे हटना नहीं चाहता था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हवाएं चलने लगी, हमारे पैरों के नीचे टूटी हुई टहनियाँ आई, आसपास कीड़ों की आवाज़ आ रही थी। वो रात सच में बहुत डरावनी लग रही थी। माही बार बार इधर उधर पीछे मुड़ के देख रही थी, लेकिन हम दोनों सिर्फ आगे देख कर चल रहे थे, ये दिखाने के लिए कि हम दोनों कितने बहादुर हैं। जैसे ही हम अपने केबिन के पास पहुंचे, हम सबसे पहले खिड़की के पास गए ये देखने के लिए अंदर कोई है कि नहीं। अंदर इतना अंधेरा था कि हमें कुछ सही से दिखा नहीं, इसलिए हमें लगा कि अंदर जाना सेफ होगा। फिर हम गेट की तरफ गए और हमने गेट खोला तो हमारा स्वागत चिमनी में जलती आग ने किया। फिर हमें याद आया कि जब हमने खिड़की में देखा था तो हमें तो कोई आग नजर ही नहीं आई, लेकिन फिर भी हमने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब आग की वजह से पूरा केबिन साफ साफ दिखाई दे रहा था। हमें मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन जब हम 15 डिग्री के मौसम में 1 मील से ज्यादा नंगे पैर चल रहे थे तो हम आग को देखकर इतना ज्यादा खुश हो गए कि वहीं बैठ गए। हम एक दूसरे को गले मिले और जमीन पर बैठ गए। हमारी आंखों के सामने दरवाजा तेजी के साथ बंद हो गया, लेकिन हमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। तभी माही ने बोला, शायद हवा चल रही है इसलिए बंद हो गया होगा। हमें वहाँ कुछ डरावना नहीं लगा, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम दूसरे रूम में जाके भी देखेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी जिज्ञासा हमारे जीवित रहने की इच्छा से ज्यादा शक्तिशाली है। रूमा सबसे आगे चल रही थी, माही और मैं उसके पीछे थे। हम एक बड़े हॉलवे के नीचे गए। वो कुवे और चीखता फर्श पोर्ट से भरा हुआ था, जो हमारे उठाए गए हर कदम के साथ चरमराता था। नीचे देखने पर मैंने महसूस किया कि कुछ फर्श पोर्ट के नीचे कील नहीं लगाई गई है, और फिर हम वहीं बैठ गए। जिज्ञासा में आके मैं नीचे पहुंच गई।
और एक बोर्ड उठा लिया, जिससे उसकी जगह पर एक रेक्टेंगल शेप का छेद हो गया। मुझे बहुत अजीब लगा। इससे पहले मैं कुछ और सोच पाती, पीले रंग के एक पंजे वाले हाथ निकल कर बाहर आ गए और उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया। उसने मेरा पूरा पैर अंदर घसीट दिया और मैंने एक भयानक चीख मारी। मेरे दोस्त तुरंत खड़े हुए और मुझे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो जो कोई भी था मुझे बाहर आने ही नहीं दे रहा था। मैं और भी ज़्यादा तब डरी जब मुझे महसूस हुआ कि कोई अपने नुकीले दांत मेरे पैरों पर काट रहा है। वो मेरे पैरों को ऐसे काट रहा था जैसे कोई मांस हो। उसने इतनी तेज काटा कि दर्द के मारे मैंने अपना पैर तेजी से ऊपर खींचा और मेरा पूरा पैर बाहर आ गया। अब मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था और उसमें दांतों के निशान साफ देखे जा सकते थे। भगवान का शुक्र है कि मेरी स्किन अलग नहीं हुई। मैंने अपने पैरों पर हाथ फेरा, लेकिन वहां से बाहर आने के बजाय हमने उस छेद में देखना जरूरी समझा। जब हमने अंदर देखा तो वहां बहुत अंधेरा था, लेकिन धीरे धीरे हमें कुछ चेहरे दिखाई देने शुरू हो गए, जिसमें आदमी, औरत और बच्चे के चेहरे थे। वो फर्श के नीचे रहने वाले लोग थे। वो सब पीले और पतले थे, आंखें लाल, मुंह सड़ा हुआ और पीले दांत भी थे। वो भूख से अपने होठों को चाटने से पहले हमें देखकर मुस्कुराए, जिससे उनके इरादे बिल्कुल साफ हो गए। इससे पहले हम कुछ कर पाते, कई सारे हाथ ऊपर आने लगे और उन्होंने हमारी टांगों को पकड़ना शुरू कर दिया। हमने बहुत कोशिश की उनसे बचने की, लेकिन उन्होंने रूमा की टांग को पकड़ लिया कि तभी पीछे से माही ने बोर्ड फेंक के मारा और रूमा को पीछे खींच लिया। तभी उन्होंने मुझे भी पकड़ा तो मैंने उनको बोर्ड से मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनकी बाहों में चोट लग गई, लेकिन तब भी हमको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हम भाग के दरवाजे के पास गए और उसे खोल के बाहर आ गए। जैसे ही हम उस केबिन से बाहर आए, हमने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है या कोई नहीं कर रहा है। हम सिर्फ मेरे रूम की तरफ भाग के वापस आए, रूम की खिड़की से रूम के अंदर आए और हमने खिड़की को बंद कर लिया। मैं आपको ठीक से तो नहीं बता सकती कि आखिर हम बच के वापस कैसे आए, लेकिन हाँ, हमसे पहले और हमसे बाद में कई लोग वहाँ गए, लेकिन कभी भी हमले की बात सामने नहीं आई, एक बार भी नहीं आई। तो क्या था जिसने हमको इतना खास बना दिया? मैं तो केवल यही अनुमान लगा सकती हूँ कि वो कंकाल थे। शायद इसलिए वो किसी पर हमला करने से पहले खुद के बारे में सोचते थे, क्योंकि वो कमज़ोर थे। लेकिन जब उन्होंने हम छोटी बच्चियों को देखा तो शायद उनको हमें अपना खाना बनाना आसान लगा। खुशी है कि हमने उनको गलत साबित कर दिया। हमने कभी भी, यहाँ तक कि आज तक भी, अपने पेरेंट्स को सच नहीं बताया कि आखिर उस रात क्या हुआ था। लेकिन मुझे ये अच्छे से पता है कि हम ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करने वाले। तो ये था मानसी के साथ हुआ एक डरावना किस्सा। उम्मीद है कि आप भी कभी ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, अनजाने में भी नहीं। चाहे एडवेंचर हो या क्यूरियोसिटी हो, हमको कभी भी कोई अनजान जगह बिना किसी के परमिशन के नहीं जाना चाहिए। तो मैं कशिश राठौड़ जल्दी आऊंगी एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हॉरर सिटी पे।